वेलकम बच्चों, आप लोगों ने जरूर अपने आसपास लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। पढ़ने लिखने से आदमी ऊंचाई पे पहुंचता है, सफल आदमी बनता है, ये सही बात है। खेलने कूदने से भी आदमी अपनी करियर के लिए अगर खेले तो खेलने कूदने से भी वो अपनी ज़िंदगी में सफलता पा सकता है। और खेलना कूदना बहुत ही आवश्यक है, खेल कूद हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। खेलने कूदने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर अगर होगा तो सारे कामों को करने में हमें अच्छा लगेगा, पढ़ने लिखने में अच्छा लगेगा। इसलिए खेलना कूदना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि पढ़ाई करना। तो आज हम लोग खेल कूद के बारे में पढ़ाई करेंगे। आइए देखते हैं कौन सा चैप्टर है ये। ये क्लास 5 का साइंस बुक चैप्टर 1.7 गेम्स। गेम्स का मतलब है खेल, कई प्रकार के हम खेल खेलते हैं उसके विषय में इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं दुलाचंद दास, स्वागत करता हूं आप सभी का। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। तो आज हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। टीम गेम्स को हम लोग सामूहिक खेल कह सकते हैं या समूह में खेले जाने वाले खेल। द गेम्स विच आर प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ प्लेयर्स इज रेफर्ड एज टीम गेम्स। जिस खेल को खिलाड़ियों के दो समूह के बीच खेला जाता है उसे टीम गेम कहते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एंड खो खो आर प्लेड बिटवीन टू टीम्स। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और खो खो दो टीमों के बीच खेला जाता है। ईच टीम हैज डिफिनिट नंबर ऑफ प्लेयर्स। प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या निश्चित रहती है। द गेम दैट आर प्लेड बाई ए सिंगल पर्सन इज कॉल्ड इंडिविजुअल गेम। जिस खेल को अकेला व्यक्ति द्वारा खेला जाता है उसे व्यक्तिगत खेल कहते हैं। जिम्नास्टिक, स्केटिंग, साइकिलिंग, चेस आर इंडिविजुअल गेम। जिम्नास्टिक, स्केटिंग, साइकिलिंग, शतरंज ये सभी व्यक्तिगत खेल है। इसमें लोग अकेले ही खेलते हैं, एक साइड से अकेला व्यक्ति रहता है, दूसरे साइड से भी अकेला व्यक्ति रहता है, तो दो व्यक्ति ही इसमें खेलते हैं। इन इंडिविजुअल गेम प्लेयर हैज टू अचीव सक्सेस फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। व्यक्तिगत खेल में व्यक्ति अपने लिए सफलता प्राप्त करता है। बट इन टीम गेम प्लेयर हैज टू अचीव सक्सेस फॉर ऑल ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द टीम। लेकिन टीम गेम में खिलाड़ी टीम के सभी खिलाड़ियों के लिए सफलता प्राप्त करता है और अपने टीम के लिए सफलता प्राप्त करता है। इन द टीम गेम एवरी प्लेयर प्लेज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टीम ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन अमॉन्ग द टीम प्लेयर्स। टीम गेम में सभी खिलाड़ी टीम के आवश्यकता के अनुसार खेलते हैं, जिसमें सभी खिलाड़ियों के बीच अपनी स्थिति, समझबूझ और सहयोगिता शामिल होता है। अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन अमॉन्ग द टीम मेंबर इज रेफर्ड एज टीम स्पिरिट। टीम के सदस्यों के बीच समझदारी और सहभागिता टीम का उत्साह दर्शाता है। प्लेयर्स इन ए नेशनल टीम ऑफ क्रिकेट इन इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, रिलीजन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अलग अलग क्षेत्र, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं। बट दे प्ले टूगेदर विथ टीम स्पिरिट फॉर द ऑनर ऑफ देयर नेशन। लेकिन वे देश के सम्मान और टीम के उत्साह के लिए एक साथ खेलते हैं। इन ए गुड टीम प्लेयर्स फील फ्री टू कंट्रीब्यूट देयर ओन आइडियाज रिजल्टिंग हैप्पीनेस एंड रिड्यूसिंग सेल्फ बिजनेस अमंग प्लेयर्स। एक अच्छे टीम का खिलाड़ी खुले रूप से अपने विचार, परिणाम और खुशियां बांटते हैं। खिलाड़ी अपनी कोई व्यक्तिगत चीज साझा नहीं करते। इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट अमंग प्लेयर्स। यही चीज खिलाड़ियों के बीच आत्मविश्वास और भरोसा बनाए रखता है। इसके आगे देखते हैं। कैप्टन ऑफ टीम। टीम का कप्तान, हेड ऑफ द टीम इज नोन एज कैप्टन। टीम का प्रधान कप्तान कहलाता है। इंग्लिश में हम लोग जिसको कैप्टन बोलते हैं वही हिंदी में कप्तान, लगभग दोनों ही शब्द एक दूसरे से मिलते हैं। टीम का प्रधान कप्तान कहलाता है। कैप्टन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीम प्लेयर्स थ्रू प्लेइंग द स्ट्रेटजी ऑफ गेम। कप्तान की यह जिम्मेदारी होती है कि टीम के सभी खिलाड़ी खेल की रणनीति अपनाते हुए सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सके। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट ऑफ द गेम।
वह खेल के परिणाम का जिम्मेदार होता है। कपिल देव वाज कैप्टन एंड इन हिज कैप्टेंसी इंडिया वन द वर्ल्ड कप इन 1983। कपिल देव जब कप्तान था 1983 ईस्वी में उसके कप्तानी में भारत वर्ल्ड कप जीता था। अगेन इंडिया वॉन T20 वर्ल्ड कप इन 2007 व्हेन महेंद्र सिंह धोनी वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। एक बार फिर भारत 2007 ईस्वी में T20 वर्ल्ड कप जीता था, उस समय महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। ए गुड कैप्टन इज वन हु गिव्स क्रेडिट एंड रिकॉग्नाइजेशन टू ईच मेंबर ऑफ द टीम। एक अच्छा कप्तान वही है जो टीम के सभी सदस्यों को सम्मान और पहचान दिलवाता है। गेम एंड जेंडर, खेल और जेंडर। जेंडर से हम लोग स्त्री पुरुष पहचानते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानते हैं। वेरी फ्यू गेम्स आर अवेलेबल वेयर गर्ल्स एंड बॉयज कैन प्ले टुगेदर। बहुत ही कम खेल ऐसे हैं जिसमें लड़के और लड़कियां साथ साथ खेल सकते हैं। इन टेनिस वर्ल्ड कंपटीशन मिक्स डबल इन प्लेट। टेनिस के विश्व प्रतियोगिता में खिलाड़ी मिलकर खेलते हैं। यही एक ऐसा खेल है जिसमें लड़के और लड़कियां मिलकर खेलते हैं। गर्ल्स आर इनकरेज टू डेवलप देयर स्किल इन ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एंड फ्यू हैव प्रूव्ड इट। लड़कियों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे खेल कूद में अपनी शैली को विकसित करें और कुछ खिलाड़ियों ने ऐसा साबित भी किया है। सानिया मिर्जा टेनिस, साइना नेहवाल बैडमिंटन, अंजलि भागवत शूटिंग हैव मेड ए ग्रेट नेम इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर कंट्री। सानिया मिर्जा टेनिस में, साइना नेहवाल बैडमिंटन में, अंजलि भागवत शूटिंग में, हमारे देश के इन खिलाड़ियों ने बहुत ही नाम कमाया है। नेशनल टीम, राष्ट्रीय टीम। क्रिकेट इज ए पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। क्रिकेट भारत का बहुत ही प्रसिद्ध खेल है, बहुत ही पॉपुलर खेल है, सभी लोग इसको जानते हैं। क्रिकेट को इंडिया में एक धर्म के जैसा माना जाता है, एक एक बच्चा इसको खेलता है। ये नेशनल टीम इज सिलेक्टेड टू प्ले फॉर द कंट्री। एक राष्ट्रीय टीम को चुना जाता है ताकि वे देश के सम्मान के लिए खेल सके। वन आवर नेशनल टीम प्लेज विथ अदर कंट्री एंड विन। जब हमारा राष्ट्रीय टीम दूसरे देश के साथ खेलता है और जीत जाता है, द होल कंट्री सेलिब्रेट्स द विक्ट्री, तब पूरा देश जीत की खुशियां मनाता है। सचिन तेंदुलकर पॉपुलरली नॉन एज मास्टर ब्लास्टर हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ मेनी क्रिकेटर्स लाइक गेरी सोबर्स, ब्रायन लारा एंड सुनील गावस्कर एंड एस्टैब्लिश्ड ए माइलस्टोन इन बैटिंग। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर के नाम से प्रसिद्ध है। उसने कई बड़े क्रिकेटरों के रिकॉर्ड तोड़ा है। गेरी सोबर्स, ब्रायन लारा और सुनील गावस्कर, इनके रिकॉर्ड्स तोड़कर अपने बैटिंग का लोहा मनवाया है। ही इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर हाईएस्ट रन इन वनडे क्रिकेट विथ मैक्सिमम सेंचुरीज। वह पहला ऐसा क्रिकेटर है जिसने एक दिवसीय मैच में सबसे अधिक रन सबसे अधिक शतकों के साथ बनाया है। हिज वैक्स स्टेटू इज डिस्प्लेड इन ए म्यूजियम इन लंदन। लंदन के संग्रहालय में उनका मोम का पुतला भी बनाया गया है। हॉकी इज ऑल्सो पॉपुलर स्पोर्ट इन आवर कंट्री। हॉकी भी हमारे देश में प्रचलित है। लेट मेजर ध्यानचंद वाज ए लेजेंडिंग फिगर इन हॉकी नॉन एज द विजार्ड फॉर हिज सुपर बॉल कंट्रोल। हॉकी में स्वर्गीय ध्यानचंद को एक आदर्श माना जाता है। वे अनोखे रूप से बॉल को कंट्रोल करते थे, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मैं बता दूं कि हॉकी हमारे देश का नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है, लेकिन फिर भी क्रिकेट हमारे देश में ज़्यादा पॉपुलर है, इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लोकल गेम्स, ट्रेडिशनल गेम्स, स्थानीय खेल या पारंपरिक खेल जो हमारे देश में लंबे समय से खेला जा रहा है, उसको स्थानीय गेम बोलते हैं। जो यहाँ के गांवों में खेला जाता है वैसे खेल लोकल खेल कहा जाता है, लोकल गेम कहा जाता है। ए लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड गेम बेस्ड ऑन लोकल नीड पास्ड ऑन जनरेशन टू जनरेशन इज नॉन एज ट्रेडिशनल गेम। लंबे समय से चल रहे स्थानीय खेल या आवश्यकता के आधार पर खेले जाने वाले खेल
जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती है उसे पारंपरिक खेल कहते हैं। मैनी ऑफ देम हैव इधर लॉस्ट और हैव अंडरगोन चेंज विथ टाइम। उसमें से कई खेल अब गायब हो गए हैं या समय के साथ उसमें बदलाव आ गया है। चेस इज एन एंशियंट गेम। चेस एक प्राचीन खेल है। चेस को हम लोग हिंदी में शतरंज बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे चेस के नाम से ही जानते हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ओल्डर डेज टू डिवाइड लैंड अमॉन्ग क्लैंस। यह भूमि और कबीले को बांटने के लिए प्राचीन काल में स्थापित किया गया था। इट इज ऑल्सो नॉन एज शतरंज। इसे शतरंज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हिंदी वर्ड में लिख के बतलाया है, इसे शतरंज कहा जाता है। सेल्फ डिफेंस एंड हंटिंग वाज प्रैक्टिस्ड इन एंशियंट टाइम्स। प्राचीन काल से ही आत्मरक्षा और शिकार करने का अभ्यास किया जाता था। द बो एंड एरो वाज वन ऑफ द वेपन्स ऑफ एंशियंट टाइम मेड फ्रॉम बंबू। बांस से बना धनुष बाण प्राचीन समय का हथियार था। द स्किल ऑफ शूटिंग विथ ए बो एंड एरोज इज रेफर्ड एज आर्चरी। धनुष बाण से निशाना साधने की कला को धनुर्विद्या कहते हैं। इन 1972 आर्चिंग वाज इंक्लूडेड इन ओलंपिक गेम्स। 1972 ईस्वी में आर्चरी को ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। लिंबाराम, संजीव कुमार सिंह एंड श्याम लाल आर फेमस आर्चर्स ऑफ इंडिया। लिंबाराम, संजीव कुमार सिंह और श्याम लाल भारत के प्रसिद्ध धनुर्धारी हैं। एंशियंट पीपुल एस्टैब्लिश कबड्डी टू एक्वायर स्किल एंड स्ट्रेंथ अमोंग देम। प्राचीन लोग अपने अंदर कला और मजबूती लाने के लिए कबड्डी खेलते थे। इट इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स ईच। यह दो टीमों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। इन 1990 इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन एशियन गेम्स एंड इंडिया गॉट गोल्ड मेडल। 1990 ईस्वी में यह एशियन खेल के रूप में जाना जाने लगा और इसी साल भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। खो खो इज एस्टैब्लिश टू एक्वायर एबिलिटी फिजिकल फिटनेस एंड स्टेमिना। खो खो का खेल अपनी क्षमता शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए खेला जाता है। खो मीन्स गेट अप एंड गो डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड स्यू। खो का अर्थ है उठो और भागो। यह संस्कृत शब्द स्यू से लिया गया है। इन 1960 कंपटीशन वाज हेल्ड एट नेशनल लेवल। 1960 ईस्वी में राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतियोगिता रखी गई थी। रेसलिंग और कुश्ती इज द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स इन इंडिया। कुश्ती भारत के सबसे प्राचीन खेलों में से है। कुश्ती या रेसलिंग एक ही चीज़ है। रेसलिंग इंग्लिश में बोला जाता है और कुश्ती हिंदी में बोला जाता है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर एक्वायरिंग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ब्रेवनेस। यह अपनी शारीरिक मजबूती और बहादुरी बढ़ाने के लिए खेला जाता है। इट इज़ स्टिल पॉपुलर इन हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। यह अभी भी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। बोट रेसिंग इन केरला ऑन द ईव ऑफ ओनम हैज बिकम मोस्ट फेमस इन द वर्ल्ड। केरल में नौका प्रतियोगिता जो ओनम के अवसर में होता है, यह पूरी दुनिया में विख्यात है। इट हैज़ द लार्जेस्ट टीम मेंबर अमोंग टीम सपोर्ट्स। टीम को सहयोग करने के लिए इसमें सबसे अधिक सदस्य होता है। अबाउट 150 मैन आर इन वन टीम। एक टीम में लगभग 150 आदमी होते हैं। वन कैन लर्न सेल्फ डिफेंस एंड फाइटिंग स्किल फ्रॉम मार्शल आर्ट्स। कोई भी मार्शल आर्ट्स के द्वारा आत्मरक्षा और लड़ने की कला सीख सकता है। इट इज परफॉर्म्ड बाय फेस एंड बॉडी। इसका प्रदर्शन चेहरे और शरीर के इन भागों द्वारा किया जाता है। इट इंक्लूड्स पंचिंग, किकिंग एंड रेसलिंग। इसमें पंचिंग, किकिंग और कुश्ती भी शामिल रहता है। पंचिंग का अर्थ हो गया मुक्के से मारना, पंचिंग किकिंग मतलब पैर से मारना। इट इज एन आर्ट कंसर्ट विथ वेगिंग ऑफ वार। यह युद्ध छेड़ने की कला से जुड़ी हुई है। चेंजिंग पैटर्न ऑफ लोकल गेम्स, स्थानीय खेलों का बदलता रूप। नाउ ए डेज चिल्ड्रेन प्रीफर इंडिविजुअल गेम।
इंस्टेड ऑफ टीम गेम। आजकल बच्चे टीम गेम के बदले व्यक्तिगत गेम खेलना अधिक पसंद करते हैं। कंप्यूटर गेम इज एन इंडिविजुअल गेम विच रिक्वायर्स मेंटल स्किल एंड अलर्टनेस। कंप्यूटर गेम एक व्यक्तिगत खेल है जिसे खेलने के लिए मानसिक कला और सतर्कता की आवश्यकता होती है। इट रिड्यूसेस फिजिकल एक्टिविटी टू ए लार्ज एक्सटेंट, यह काफ़ी हद तक शारीरिक गतिविधियों को कम कर देता है। चिल्ड्रेन लाइक वॉचिंग टेलीविजन प्रोग्राम एट होम विद देयर पेरेंट्स, बच्चे घर में अपने मम्मी पापा के साथ टीवी देखना पसंद करते हैं। नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव विदाउट टीवी, आज टीवी के बिना रहना बहुत ही कठिन है। दिस डेज मच अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर व्यूइंग ऑफ टीवी प्रोग्राम्स, आजकल टीवी प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत जागरूक होने की आवश्यकता होती है। सभी प्रोग्राम घरों में देखने के लायक नहीं होते, हमें वैसे प्रोग्राम देखने चाहिए जो पारिवारिक हो। यहाँ पे चैप्टर 1.7 समाप्त हो जाती है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यह है इस चैप्टर के क्वेश्चंस। वन नंबर में आंसर दिस फॉलोइंग, टू नंबर फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भरने के लिए दिया गया है, थ्री नंबर में इसके बीच डिफरेंट दिखाने के लिए कहा गया है, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल गेम एंड टीम गेम, और इसके अलावा और भी इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन का आंसर बना के दिखाता हूँ। यह है चैप्टर 1.7 का क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज टीम स्पिरिट, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन अमंग द टीम मेंबर इज रेफर्ड एज टीम स्पिरिट। व्हाट इज रोल ऑफ कैप्टन, द रोल ऑफ कैप्टन इज टू टेक बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीम प्लेयर्स थ्रू प्लेइंग द स्ट्रेटजी ऑफ गेम, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट ऑफ द गेम। What do we feel when our national team plays with other country? When our national team plays with other country and wins, the whole country celebrate the victory. What is traditional game? A long established game based on local need passed on generation to generation is known as traditional game. What is archery? The skill of shooting with a bow and arrows is known as archery. Fill in the blanks. Two number mein bharne ke liye diya gaya hai. यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया है, आप अपने बुक से क्वेश्चन को देखकर उसमें भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन दोनों के बीच अंतर बतलाने के लिए कहा गया है। इंडिविजुअल एंड टीम गेम, द गेम दैट आर प्लेड बाय ए सिंगल पर्सन इज कॉल्ड इंडिविजुअल गेम, बट द गेम विच आर प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ प्लेयर्स इज नोन एज टीम गेम। अर्चरी एंड मार्शल आर्ट, अर्चरी इज एन एक्टिविटी वेयर वी शूट एन एरो फ्रॉम ए बो, while martial art is a skill of self-defense and fighting with our hands and feet. Gymnastic and computer game, gymnastic is a game that is the foundation for sports and physical activity, but computer game is an individual game which requires mental skill and alertness. Write the character of a captain, a captain needs to motivate and inspire the team to win the match, he should give credit and recognition to each member of the team. Which local game do you like and why? My favorite local game is Kabaddi. It is a team game I play with our friends with overjoyed. It helps us in increases stamina. यहाँ पे चैप्टर 1.7 पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से पढ़ाई में थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।